नमस्कार, रोशनी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबके साथ इब्तिशाम देशमुख। हम आए दिन इंटरव्यू में अलग अलग समुदाय के लोगों से जुड़ते हैं, लेकिन हम इस बार ऐसे समुदाय को लेके आए हैं, ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जिन्हें हम देखे नहीं हैं, जानते भी नहीं हैं। आइए मैं आपके पहले तो मुलाकात करवा दूँ ईश्वरी विश्वविद्यालय से आई हुई ब्रह्म कुमारी राखी बहन से। नमस्ते राखी जी। नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। ब्रह्म कुमारी से उपस्थित हमारे साथ राखी जी हैं, इनसे हम ब्रह्म कुमारी से रिलेटेड प्रश्न करेंगे और उनसे संबंधित हम कुछ बातें जानेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रजापिता ब्रह्मा ईश्वरी विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी से यहाँ उपस्थित हैं और हम इसी के टॉपिक को लेकर के यहाँ पे चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्म कुमारी का मेन उद्देश्य ये है कि लोग आपस में भाईचारा, सद्भावना, प्रेम के साथ में रहें और लोग आपसी में प्रेम मिल जो लड़ाई झगड़ा किया करते उसको दूर करें। मैं आपको बता देती हूँ कि जो लोग बीमार होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो लोग बीमार होते हैं कि कुछ लोग अपने मन में एक मिथ्य बैठा के बैठ जाते हैं, उसी को लेकर के हमेशा परेशान रहते हैं, लेकिन इनके जो संस्था उनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है और ये लोगों को ये मोटिवेट करते हैं कि अगर आप अपने आप से लड़ेंगे तो आप अपनी बीमारी और मिथ्य को भी दूर कर सकते हैं। अगर आप शांति से रहेंगे, प्रेम भाव से रहेंगे, माइंड को डाइवर्ट करेंगे, अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो आप नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। तो आइए हम इस विषय से लेकर के राखी जी से कुछ बातचीत करते हैं और हम इसके बारे में जानते हैं। तो राखी जी, पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि यह ब्रह्मा कुमारी की स्थापना कब और कहाँ हुई? बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताते हुए सदैव ही हर्ष होता है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1936 सिंध हैदराबाद में हुई। एक अखंड भारत जिसकी कल्पना हम सब पुनः करते हैं, इसी कार्य में जुटी ये संस्था। 1950 स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात हमारी ये संस्था भारत के माउंट आबू राजस्थान में आई और वर्तमान में भी संस्था का मुख्यालय माउंट आबू में है। विश्वविख्यात हमारी ये संस्था जो न केवल भारत में अपितु एक वटवृक्ष बनकर 137 देशों में मूल्यों की शिक्षा दे रही है ताकि मनुष्य के अंदर जो देवत्व छिपा हुआ हो वो उजागर हो। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इसके संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक, जिनको प्यार से हम सब ब्रह्मा बाबा कहते हैं, उनका वास्तविक नाम दादा लेखराज कृपलानी जी जो संस्थापक रहे, पर संस्थापक की दृष्टि से ये कहूँ कि वो एक आइडियल स्टूडेंट रहे और हमेशा ये सिखाया कि हर मनुष्य के अंदर तीन गुण हैं, मनुष्यता, पशुता और दिव्यता। वो जिस संघ में रहते हैं उनके वो गुण बाहर निकलते हैं और ये निश्चित रूप से होता भी है। स्वयं संस्थापक द्वारा नित्य स्टूडेंट की तरह पढ़ाई की जाती और पढ़ाई मूल्यों की। परमात्मा शिव हमारे भीतर देवत्व को आकर जगाते हैं, इस प्रकार की यहाँ शिक्षा दी जाती है। मैं अगला सवाल जानना चाहूँगी कि जैसे ये सिंधी समाज के लोग ब्रह्मा कुमारी को लेकर के मोटिवेट के लिए और कुछ लोगों का मिथ्य है, कुछ लोगों के बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं, उसको लेकर के आप लोग प्रोग्राम भी कंडक्ट करते हैं, तो उस प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों तक क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं? हमारा मुख्य उद्देश्य तो वसुधैव कुटुम्बकम की है, पर बात आपने सिंधी समाज की है तो मैं ये बताना चाहूँगी। सफ़ेद ड्रेस एक सूचक है, पाठशाला की एक ड्रेस है, जैसे स्कूल की एक ड्रेस होती है सिंबॉलिक। लेकिन कई लोग हमें ईसाई समझते हैं वाइट ड्रेस के कारण। कई बार जब हम कई शहरों में जाते हैं, शहरों के भीतर गांवों में जाते हैं, तो कई छोटे छोटे बच्चे हमको देखकर नर्स समझते हैं कि ये हमें इंजेक्शन लगाने आए हैं। सिंधी समाज को हम ये बताते हुए हर्ष महसूस करते हैं कि फाउंडर से लेकर पूरी यज्ञ की टीम ने जो कार्य किया, जिनको हम प्यार से दादियाँ कहते हैं, वो सब सिंधी हैं। इसीलिए हम बीच बीच में ये प्रोग्राम कंडक्ट करके उन्हें ये बताना चाहते हैं। नेचुरल है, आप जिस कौम को फॉलो करते हैं, जैसे हम छत्तीसगढ़ में हैं, यदि कोई जगह छत्तीसगढ़ी में हमसे बात करता है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो नेचुरल उससे एक अपनत्व की कड़ी जुड़ जाती है। सिंधी समाज के दादा फाउंडर हमारे सिंधी, पर परमात्मा बिंदी हैं, सिंधी के तन में आकर उन्होंने बिंदी का ज्ञान दिया। महत्व सिंधी जाति का नहीं है, पर केवल एक भय जो सिंधी जाति में ही हो गया। आप आज वर्तमान में सभी धर्म के लोग ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं, मेडिटेशन का लाभ लेते हैं, पर थोड़ी जो विडंबना हमें लगती है कि आज एक सिंधी समाज ही, जिसके फाउंडर सिंधी, दादियां सिंधी, वो सिंधी समाज थोड़ा सा आने में
डर महसूस करता है, केवल इस डर से, इस भय से मुक्ति दिलाने के लिए बीच बीच में हम सिंधियों के कुछ कार्यक्रम रखते हैं। तो उस प्रोग्राम में आप लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? हम तो यही संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि मूल्यों का कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता। परमात्मा ने और कुदरत ने जो बहुमूल्य चीज़ें हैं वो हमें निःशुल्क प्रदान की है। अगर हम हवा की बात करें, कोरोना काल में वही ऑक्सीजन कितनी महंगी हो गई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और ऐसी ही बात हैं मूल्यों की। दुआएं दिखाई नहीं देती हैं पर जीवन का रंग बदल देती हैं। पर भौतिक जगत में आज व्यक्ति भौतिकता के पीछे इतना जा रहा है कि वो अपने आप से दूर जा रहा है। कहते हैं ना, गूगल में आप सब कुछ जान सकते हैं पर अपने आप को नहीं जान सकते। बहुत सुंदर मैंने ये पढ़ा था कि मैं भीतर गया तो मैं भी तर गया। बस इसी के समीप हम लाते हैं। आज व्यक्ति स्वयं स्वयं से दूर हो गया है, बस जरा सा उनको ये कनेक्ट हम करवाना सिखाते हैं, खुद को मिला है। बस खुद से ये जो दूरी हो गई यही लोगों के स्ट्रेस का कारण बन गया। आज तो मेन दूरी का कारण मोबाइल भी है, बहुत बड़ा कारण। मोबाइल के वजह से इंसान अपनों से दूर हो जा रहा है, अपने खुद को नहीं पहचान पा रहा, केवल मोबाइल में घुसा हुआ है और दुनिया को भूलते जा रहे हैं, जिससे कि बीमारियां भी बढ़ रही है। और मैं तो ये कहूंगी, आपने भी देखा होगा, आज यदि व्यक्ति का मन खराब हो, घर में एक मेंबर हो, वो मन ठीक करने में 20 दिन लगा देगा, लेकिन यदि एक व्यक्ति का मोबाइल खराब हो जाए तो 3 घंटे में बन जाएगा। 3 घंटे भी मैंने ज्यादा, 1 घंटे में उसका ऑपरेशन खुद ही कर देगा। बात ये थी कि साधन बने थे यूज करने के लिए, व्यक्ति बने थे प्यार करने के लिए। वर्तमान समय विपरीत है, व्यक्तियों को यूज किया जा रहा है और साधनों को प्यार किया जा रहा है। मैं आपसे आगे ये पूछना चाहूंगी, जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है मेडिटेशन। बच्चों से लेकर, गृहस्थ जीवन से लेकर व्यावसायिक जीवन तक, शैक्षणिक जीवन तक, इवन माता पिता बच्चों को कई बार कहते हैं ध्यान से पढ़ो, ध्यान से खाओ। और हम सब जानते हैं बच्चे आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न करते हैं। जब इनोसेंट भाव से बच्चा ये प्रश्न करता है कि मम्मा ध्यान क्या है, पापा ध्यान क्या है, तो हम उसे इंग्लिश में बता देते हैं फोकस, कंसंट्रेशन। वो वापस वहीं आता है, मम्मा इसकी मीनिंग क्या है। तो ध्यान का अर्थ, मेडिटेशन का अर्थ सही रीति से बताकर उसका कनेक्शन करवाया जाता है। मैं समझती हूँ आपका अगला प्रश्न यही होगा कि ध्यान है क्या। कई लोग योगा को ही योग समझते हैं। योगा इट मीन्स फिजिकल एक्सरसाइज, जिसको हम प्राणायाम आसन कहते हैं जी। योग इट मीन्स मेंटल एक्सरसाइज, मन की एक्सरसाइज। जितना तन को स्वस्थ रखने के लिए तन की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, ठीक उसी तरह मन को स्वस्थ रखने के लिए मन की एक्सरसाइज कंपल्सरी है। आपने बिल्कुल सही कहा, मन को रखने, स्वस्थ रखने के लिए मन की एक्सरसाइज जरूरी है। तो इसके लिए लोग बोलते हैं मेडिटेशन किया जाए, तो मेडिटेशन से क्या वाकई में लाभ मिलता है? बिल्कुल, जिस तरह मोबाइल में बहुत सारे फंक्शन हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि सारे फंक्शन का ज्ञान हमें हो। कई बार आपको काम की चीज़ आपके घर के छोटे बच्चे बता देते हैं कि मोबाइल में ये फंक्शन है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सिंपल, सो मैनी एप्स एंड सो मैनी फंक्शन इन हियर, बट वी डोंट नो। मेडिटेशन का एक सहज यदि अर्थ मैं कहूँ, जोड़, योग, जैसे 2 को 2 से जोड़ो तो हो गया 4। ऐसे ही मन और बुद्धि जब एक साथ किसी कार्य में लगते हैं तो उसे योग कहते हैं। बेनिफिट मैं ये कहूँगी, हमारी 8 शक्तियाँ, जो मैंने कहा यहाँ बहुत सारे हमारे ऐप हैं, हमारी 8 शक्तियाँ मेडिटेशन से जागृत हो जाती हैं, जो हमारी रोज की दिनचर्या में, चाहे वो कोई भी हो, आर्थिक, वैवाहिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक, इन सब में वो लाभप्रद है। 8ों शक्तियाँ एक साथ कार्य करती हैं तो हमारी पढ़ाई भी अच्छी होती है, मन भी शांत होता है, संबंधों में प्रगाढ़ता भी आती है। एक मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है, जिस लोग कहते हैं कि योगा से, मेडिटेशन से एक शरीर में नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है, अगर हम योगा कर रहे हैं उसके बाद हम योगा को छोड़ देते हैं, लेकिन उससे फिर एक शरीर में नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, क्या वाकई में ये सच है कि केवल लोग इसको मिथ्य बना के फैला रहे हैं? बिल्कुल, नेगेटिव प्रभाव दूर होते हैं, चाहे शारीरिक योगा हो तो वो शरीर की नेगेटिविटी को बाहर करता है और मेडिटेशन मन की नकारात्मकता को दूर करता है। ये तो सिंपल है और अब तो डॉक्टर्स ये सलाह देने लगे कि मेडिटेशन कंपलसरी है। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी है केवल एक समुदाय को लेकर चल रहा है कि और भी समुदाय के लोग इससे जुड़े हुए? हर समुदाय के, मैं तो आपको ये कहना चाहूँगी, संस्था अपना बहुमुखी कार्य
20 प्रभागों के माध्यम से कर रही है ताकि एक भी कोना छूटे नहीं, शहर से लेकर गांव तक, जमीन से लेकर आकाश तक। ग्राम विकास प्रभाग किसानों को लेकर तो बिजनेस व्यवसायियों को लेकर, महिला प्रभाग महिलाओं को लेकर, ग्राम विकास में भी खास किसानों को अपने योग के प्रयोग से, या ये कहूँ कम लागत में अधिक उत्पादन, केवल अपने वाइब्रेशन से, विचारों के प्रकंपन से अधिक खेती और स्वस्थ खेती कैसी हो वो भी सिखाई जाती है। मेडिकल विंग में डॉक्टर्स को लेकर के, तो हर विंग को, हर वर्ग को लेकर के एक साथ ये संस्था कार्य कर रही है और उसका रिजल्ट हर वर्ग में प्राप्त भी हो रहा है। मैं ये जानना चाहूँगी कि आज के युग में, अभी जो समय चल रहा है, उसमें जब महिला लोग हैं, महिला को लेके वो बहुत परेशान रहती है, डिप्रेस रहती है, अगर वर्किंग वूमेन है तो घर को लेकर के कि घर में टाइम नहीं मिल रहा है, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अलग उसको वर्क प्रेशर अलग रहता है, तो वैसे लोग को अगर अपना माइंड शांत रखना है क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने आप से रूबरू होना है। आपने जिस तरह महिलाओं की बात की, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को संचालन करने वाली प्रायः पूरे विश्व में 137 देशों में लगभग हमारी ये संस्था कार्य कर रही है, और आपको खुशी होगी कि संस्था का संचालन महिलाओं द्वारा होता है। आश्चर्य की बात यह है, जहाँ घर में दो बहनें भी अगर रहती हैं तो कहते हैं दो बर्तन आवाज़ करते हैं। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं पूरी संस्था महिलाओं द्वारा संचालित की जाती है, तो कितनी मन की शांति भीतर होगी। मन को शांत रखने की विधि यही है कि आप अगर शांति के सागर परमात्मा से कनेक्ट है तो वो आपके अंदर आएगा। एक सिंपल सी बात, यदि आपके कप में चाय है तो यदि कोई आपको धक्का देगा तो नेचुरल है चाय स्प्रेड होगी। आपके कप में शरबत है, आपको किसी ने धक्का दिया तो नेचुरल शरबत बाहर आएगी। बुद्धि एक पात्र है, यदि मैंने इसमें क्रोध रखा है और परिस्थितियों रूपी कोई भी धक्का यदि मेरे जीवन में आता है तो क्रोध बाहर निकलता है। मेडिटेशन के थ्रू हम अपने आप को चार्ज करते हैं और फिर जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है तो हम उस परिस्थिति को बड़ी सहजता से, बड़े प्यार से हैंडल करते हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, समस्याएं आएंगी, पर साथ में शक्ति हमारे भीतर आती है कि हम उसे बहुत आसानी से फेस कर लेते हैं। आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं केवल यही अपील करना चाहूँगी, जिस तरह जेब में धन होता है तो कॉन्फिडेंस होता है कि हम घूम लेंगे, कुछ कर लेंगे, अगर बुद्धि में ज्ञान रत्न है, दुआओं का बल है, आध्यात्मिक क्योंकि हम हैं ही, ये हमेशा याद रखें, यदि दुआओं का बल नहीं है तो जीवन में सफलता मिलते हुए भी एक आंतरिक संतुष्टता का अनुभव नहीं होता। आप सब ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि डॉक्टर्स भी हार जाते हैं तो हमेशा एक शब्द जरूर कहते हैं कि अब इनको दवा की नहीं, इनको दुआ की ज़रूरत है। इट मीन्स दुआ पॉजिटिव एनर्जी, उसको हम कलेक्ट कहाँ से करें? तो कुछ छोटे छोटे पुण्य कर्म वो दुआएं दिलाते हैं। चाहे आप किसी भी आध्यात्मिक संस्था से जुड़े हों, हर संस्था आपको श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाती है। मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है, सुना है, और जीवन में हमेशा उसे अप्लाई करने का थोड़ा प्रयास जरूर किया कि जितना महत्व सोने की चैन का है उससे कहीं अधिक महत्व चैन से सोने का है, और वो तभी होता है जब आपके पास पुण्य कर्मों की पूंजी हो, इसे नकारा नहीं जा सकता है। बहुत अच्छी बात कही है आपने। बेसिकली इस संस्था का मोटिव ये है कि आप शांति बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बांटें, जितना हो सके लोगों की मदद करें, भगवान से जुड़े रहें। मैं राखी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो हमारे चैनल में आई, लोगों तक अच्छा समाचार, एक अच्छा जानकारी फैलाया, लोगों को मोटिवेट किया। ऐसे ही कार्यक्रम के साथ हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और बेल आइकन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला वीडियो पहले मिल सके और आप हमारे पहले व्यूअर बन सके। धन्यवाद।